गुड इवनिंग टू ऑल बेटा, एंड हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन. बाय द वे, आई वुड लाइक टू बी स्टार्ट अगेन एज प्रीवियस डे. बाय द वे, मेरा ख्याल है बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स निकल गए हैं और उन चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा. ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये पूरा सीजन एग्जाम्स के लिए जाना जाता है. अब ढेर सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आएंगे, उस पर गौर फरमाना है. और बहुत सारे जितने भी आपके कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कॉरपोरेट्स कंपनी हैं, वो सभी अपने बैलेंस शीट क्वार्टरली निकालते हैं और ये कानून है कि वो किसी नेशनल लेवल के अखबार पे उसे प्रिंट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो वहां से सारी कार्रवाई का पता चल जाता है. और कैट मैट के एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर कॉरपोरेट वर्ल्ड का चेयरमैन कौन है, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बैलेंस शीट क्या है, लॉस है, प्रॉफिट है, ये सब पता चलता रहता है. तो ये ध्यान रखना है, तो इसका ख्याल रखेंगे बेटा, ठीक है? बाय द वे, बात शुरुआत करते हैं, ठीक है? उस चीज को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज करंट अफेयर्स बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, और उन थोड़े में ही बहुत कुछ हम लोग निकाल लेंगे, तो ये तो होगा ही, ठीक है बेटा? एक डांस फॉर्म है, डांस का नाम है डेविल डांस. डेविल डांस, डेविल मतलब शैतान, शैतान का नृत्य. तो डेविल डांस को हम समझें किस सेंस में, ठीक है? तो शैतान का नृत्य से अभिप्राय क्या है ये समझना है. रियो डी जेनेरियो में कार्निवल शुरू हो चुका है. लैटिन अमेरिका के कई देशों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना फेस्टिवल मनाते हैं, कार्निवल कहते हैं, यानी जस्ट लाइक ए गाला डे. और ये पूरा गाला वीक, गाला मंथ हो जाता है, यानी खुशियों का दिन, महीने, सप्ताह. तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पेरू एक देश है, बोलविया भी देश है. तो बोलविया में हम देख रहे हैं कि लोग कार्निवल मना रहे हैं और कार्निवल के अंडर एक डांस फॉर्म है. उस डांस फॉर्म का नाम होता है डेविल डांस. वहां लोकल में उसके अपने लैंग्वेज में इसका नाम होता है डाइबेल्डा. डाइबेल्डा मतलब डेविल डांस. चलिए, तो आपने देखा लैटिन अमेरिका में एक डेविल डांस. अब इसी चीज को उठा करके हम दूसरी जगह लेकर आते हैं, उसको देखेंगे. मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे देश में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जोन में भी डेविल डांस है, यानी कि इसमें शैतान का मुखौटा लगा करके डांस करते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, तो डेविल डांस से कंपेयर कर लिया. और स्क्रीन पे हमारे बहुत सारे बच्चे आ गए. अमृता आ गई हैं, गार्गी मिश्रा मेरी भांजी है, गोरखपुर में सर्विस करती हैं, गवर्नमेंट जॉब में है वो, और इसने भी अपने 2 साल की कड़ी मेहनत से ये नौकरी ली है, ठीक है? सिकंदर आ गए बेटा, राम राम बेटा, आई एम ओके. अमृता पूछ रहे हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा. आप सभी लोग कैसे हैं ये जरूर बताइएगा, और एवरीथिंग इज गुड गोइंग ऑन. चलिए शुरुआत करते हैं फिर आगे. एनवायरमेंट से रिलेटेड एक सवाल है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं. एनवायरमेंटल क्वेश्चन ये है, एक पेड़ होता है चीर का पेड़. चीर हमारे हिमालय में बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं और इसका प्लांटेशन भी बहुत होता है, नो डाउट. तो चीर का पेड़ है और उस पेड़ की पत्तियां जो है सूख करके गिरती है, तो उसके सूखे पत्तियों में बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, तेल होता है, ठीक है? ऑयल होते हैं. उस ऑयल से हम ये बताना चाहते हैं कि हाई इन्फ्लेमेबल होता है. ये जो पत्तियां आपस में फ्रिक्शन होता है, जंगल में सूखे पत्ती है, बेड पे पड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है उसमें घर्षण होगा. घर्षण की वजह से क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन होगा और इग्नाइट हो जाएगा, आग पकड़ लेती है. तो जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ेगी, आपको सुनने का मौका मिलेगा कि उत्तराखंड के जंगलों में, गढ़वाल के जंगलों में, पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में आग लग गई. कारण एक बड़ा सा कारण ये भी है, और पत्ते सूखे इतने पड़े रहते हैं पतझर के ऑटम की वजह से, कि वो एक दूसरे को, घास को पकड़ते चले जाते हैं और पेड़ पौधे सबको आग लगा देते हैं, सुखा देते हैं. ये चीजें हैं, ठीक है? सिकंदर का सवाल है कि यूएसए का पुराना नाम क्या है सर?
यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखिए तो उसका कोई पुराना नाम नहीं, लेकिन उसका एक सेकेंड नाम है, नॉट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पर हम ये बताएंगे कि उस पूरे कॉन्टिनेंट का एक जो नाम है वो है, आप भी जानते हैं, न्यू वर्ल्ड, नॉट थर्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब तक कोलंबस ने इसकी खोज नहीं की थी, तब तक हम सारा संसार जो मानते थे 5 ही कॉन्टिनेंट मानते थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीड़ के पत्ते के लिए उत्तराखंड की सरकार ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके एक थर्मल पावर प्लांट बनाना शुरू किया और कहा कि ये जो है, गांव के जो लोग हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, इन पत्तों को उठाएंगे, जमा करेंगे और किलो के भाव से, 5 रुपए 10 रुपए किलो के भाव से इसे प्लांट वाले खरीद लेंगे और उससे वो बिजली बनाएंगे, उसके लिए फ्यूल का काम कर जाएगा। ये भी चल रहा है, पर ये उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जंगल में आग, अगर पत्ते उठा लिए जाएंगे तो आग लगने की संभावना कम हो जाएगी। तो दो बातें हो गई चीड़ से। तीसरा चीड़ का जो है, आप भी जानते हैं, अब सरकार ने कोशिश करी है कि चीड़ के पत्तों से ईंटें बनाई जाए। अब ये कैसे? चीड़ के पत्ते उठाते हैं, बायोमास में डालते हैं और उसे बायोमास में डालने के बाद जो जल जाएगा उससे वो उसमें चिकनी मिट्टी मिला देते हैं और फिर उस प्रकार से ईंट बना लेते हैं। 1 ब्रिक 10 रुपीस में बिकता है, तो इससे किसानों को या जंगल में रहने वाले हमारे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो एक तो ये चीज हो गया, तो ईंटें बनने लगी हैं और घर में भी फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल के लिए एक तरीका निकाल लिया गया। तो चीड़ का और उसके पत्तों का ये मतलब है, ये ध्यान रखना है। अमृता सवाल कर रही हैं, सर व्हाट इज कंजप्शंस क्लस्टर एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ज्योति जी नमस्कार, आप कैसी हैं? अपना हाल चाल बताती रहेंगी। आपकी मित्र अच्छी हैं? ठीक है, वो भी वॉच कर रही हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं। अमृता का सवाल है, सबके लिए है। कंजप्शन मतलब होता है उपभोग, यानी उपयोग करना, उपभोग करना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये सब चीजें। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है उस पर देखिए, क्लस्टर का मतलब होता है जब कोई भी चीजें एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो उसको क्लस्टर कह देते हैं। हाय ज्योति शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार, तो मैं ये कह रहा हूं क्लस्टर मतलब इकट्ठा। अब हो गया कंजप्शन क्लस्टर, तो कंजप्शन क्लस्टर का मतलब हो गया जहां ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर हो, जहां ज्यादा कंज्यूम हो रहा हो, तो वो हो गया। और ये डिपेंड करता है क्या, पॉपुलेशन से, क्योंकि पॉपुलेशन ही कंज्यूमर है। और एक होता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यानी जहां पे उस कंजप्शन के लिए वो आइटम्स, चाहे गुड्स हो या सर्विस, मैन्युफैक्चर हो रहा हो इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री जहां ज्यादा हो। उदाहरण लीजिए, सबसे पहले इंडस्ट्री देखते हैं क्लस्टर्स। फरीदाबाद है, आप हरियाणा ही ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। एनसीआर पूरा ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। बॉम्बे ले लीजिए, बॉम्बे से लेकर पूना तक की स्थिति को ले लीजिए। सिकंदराबाद, हैदराबाद से लेके बैंगलोर तक आप चले जाइए। चेन्नई का जोन ले लीजिए, कलकत्ता हावड़ा पूरा जोन ले लीजिए, वर्धमान तक आ जाइए। उसी तरह से दिल्ली से लेकर के जयपुर रोड तक चले जाइए, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। तो ये सब हो गए क्या, आप भी समझ गए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर। और अब बिहार चलिए, नॉर्थ ईस्ट चलिए, जहां पे काफी पॉपुलेशन है और वो कंज्यूम करते हैं, और लेकिन वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, उत्पादन नहीं है। तो जीएसटी के संदर्भ में ये बात संदर्भ में समझी जा सकती है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इंडस्ट्री क्लस्टर के रूप में हैं और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कंज्यूम क्लस्टर के रूप में डेवलप होंगे। और वो डेस्टिनेशन टैक्स है, आप भी जानते हैं, यानी अंतिम उपभोक्ताओं से जीएसटी वसूला जाएगा। तो जो खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, वो टैक्स पे करेगा, तो उस स्टेट में टैक्स ज्यादा आ जाएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो ये रीजंस है। ठीक है बेटा, अब एक और सवाल आ रहा है। सिकंदर का सवाल है, जैन जुलाई अगस्त दिसंबर में ऑड वन आउट करना है सर। सर एफ कैट में क्वेश्चन था, आंसर क्या हो सकता है सर? तो जनवरी में, जुलाई में, अगस्त में, दिसंबर में ऑड वन आउट करना है। तो ऑड वन आउट करना है तो संदर्भ क्या पूछ रहा है, कि कितने ऑड हैं, कितने इवन हैं? ठीक है, इसमें से बहुत सारे हमारे तिस्मार खां बच्चे हैं, जरूर ये बता देंगे कि
क्या सूरत हाल है बताइए बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन आया है कि जनवरी जुलाई अगस्त दिसंबर में ऑड वन आउट करना है सर, कल एफ कैट में क्वेश्चन आया था, कैसे हो सकता है? तो आप लोग बताइएगा बेटा, मैं भी इंतजार में हूं कि आप लोग क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं ऑड अगर देखा जाए तो जनवरी में, दिसंबर में तो नहीं होते, नवंबर में 30, दिसंबर 31 हो गया, तो ये सारे ऑड है। तो ऑड को हटाना है तो क्या करेंगे, लास्ट का एक हटा देंगे, 31 हटा देंगे, या फिर कुछ और तरीके से पूछा होगा तो उसका विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, चलिए। त्रुषि सदाना आ गई है बेटा, कैसी है त्रुषि बेटा? त्रुषि नहीं, श्रुति होना चाहिए, हाँ श्रुति उनका नाम होना चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं। वेलकम टू ऑल एवरीवन। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, नाउ लिसन। अब एक छोटी सी बात है, अनुष्का शर्मा सब जानते हैं, सब अपने अपने तरीके से उन्हें जानते हैं। कोई कहते हैं ये विराट की गर्लफ्रेंड है, कोई कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, सबका अपना अपना मिजाज है, पर आप एक नए तरीके से भी उनको जानना है। उन्होंने एक फिल्म बनाई है एज ए प्रोड्यूसर, फिल्लौरी। तो फिल्लौरी फिल्म में वो एक्ट्रेस भी हैं, नायिका भी हैं, और वो प्रोड्यूसर भी हैं, निर्माता भी हैं। बातें बहुत चल रही है कि विराट कोहली ने दिया होगा पैसा या उनका भी रोल है, तरह तरह की बात है, उसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन के ख्याल से सोचना है। तो फिल्लौरी फिल्म के प्रोड्यूसर कम एक्ट्रेस कौन? अनुष्का शर्मा, बस इतना समझना है बेटा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करने जा रहा हूं। हम ताजमहल की बात कर रहे हैं और इस तरह से ताजमहल के बहाने कई अन्य चीजों की भी बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको समझिए बेटा। ताजमहल में पॉल्यूशन से संदर्भित बात कर रहे हैं, ड्यू टू हाई पॉल्यूशन ताजमहल में जो मार्बल्स हैं, जो व्हाइट मार्बल है, वो येलोइश होता जा रहा है। इसके रीजंस बहुत बताए गए, एसिड रेन की भी बात हुई थी कभी, तो एसिड रेन कैसे होता है मालूम ही है कि जितने भी हमारे रिफाइनरीज हैं उसके जो सलरीज हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन जो स्मॉग्स हैं जो ऊपर की ओर धुएं के रूप में आते हैं वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, और एयर पॉल्यूशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं और अदर गैसेस हैं ये सब वातावरण में बड़े दिनों तक जमे रहते हैं, जब तक कि एयर मास उसे कहीं ना कहीं बहा के ना ले जाए या फिर हैवी रेनफॉल हो जाए जिसकी वजह से वो नीचे आ जाए, वरना वो एयर में पड़े रहते हैं। तो मथुरा जो रिफाइनरी है हमारी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो हवा का जो डायरेक्शन होता था वो आगरा तक आता था और हमारे ताजमहल को येलोइश किया, यानी कि काफी कुछ प्रॉब्लमेटिक किया, उसकी ब्यूटी को नुकसान पहुंचाया। तो कहते हैं कि काफी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की गई और मथुरा रिफाइनरीज को इस तरह से किया गया कि उसकी मिनिमम पॉल्यूशन जो है हो, तो वो हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि फिर आए दिन ऐसा होता है, नतीजा देखिए होता क्या है कि धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल्स टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हवाओं के साथ ताजमहल पे भी आते हैं इस इमारत पे, और वो क्या करते हैं उसे स्वाभाविक है कि खरोचते भी हैं, यानी फ्रिक्शन पैदा होता है, खरोचते भी हैं और जम जाते हैं, जम जाने की वजह से येलोइश हो जाता है। अब इसका इलाज कैसे हो, तो एक इलाज शुरू हुआ है, जो मुल्तानी मिट्टी होती है जिसको चिकनी मिट्टी के रूप में भी देखते हैं, और एक मुल्तानी मिट्टी खास करके तो बड़ी वैक्सी होती है मुल्तानी मिट्टी, उसमें कुछ असर होता है, तो मुल्तानी मिट्टी का क्या करते हैं, गीला करके पैक बनाते हैं। अब मड मतलब कीचड़, मड पैक, मुल्तानी मिट्टी का पैक बन गया मड पैक। अब उसे क्या करते हैं, ताजमहल पे पूरा का पूरा लगा दिया। अब मड पैक धीरे धीरे ड्राई होता चला जाएगा और इस चक्कर में वो धूल कण को अपने में खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ताजमहल के वॉल से, और उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा और डिस्टिल्ड वाटर से ताजमहल के फर्श को दीवारों को धो दिया जाता है, और इस तरह से फिर से उसमें चमक आ जाती है, व्हाइटनेस आ जाती है। तो मड पैक थ्योरी से ताजमहल को, उसके पॉल्यूशन को क्लीन किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे हम फेशियल के लिए बाद में मड पैक लगाते हैं कि नहीं लगाते, पूरे चेहरे पे मड पैक लगाते, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, व्हाट इज इट, सेम थ्योरी। तो जब मेरा चेहरा क्लीन हो सकता है तो ताजमहल का क्यों नहीं।
तो आपसे टेक्नोलॉजी पे पूछेगा कि ताजमहल के पॉल्यूशन को, येलोइश को सफाई करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई, मड पैक। बस अभी अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है न्यू वर्ल्ड वेल्थ। न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने जो है एक डाटा दिया है और ये बताया है कि इंडिया का रिचेस्ट सिटी कौन सा है, सबसे अमीर शहर नगर। यहां अमेरिका मेथड क्या है, तो बेटा किस शहर में सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं, मिलियनरीज रहते हैं, बिलियनरीज रहते हैं, और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या है, तो उनके वैल्यूज को ऐड कर दिया और वो हो गया रिचेस्ट, सेकेंड रिचेस्ट, थर्ड रिचेस्ट, व्हाटसोएवर। इसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी को नहीं लिया गया है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जितने भी वहां बिलियनरीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज को ऐड करके कहा गया कि ये अमीर सिटी है। तो हम टॉप 5 की बात कर देते हैं, लेकिन हम 7 की बात कर देंगे क्योंकि ये उचित होगा, समझना जरूरी होगा। तो मैं बता रहा हूं बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडियाज टॉप 7 रिचेस्ट सिटी आर फॉलो। फर्स्ट मुंबई, $820 बिलियन की संपत्ति है यहां के मिलियनरीज बिलियनरीज के पास, करोड़पति अरबपति के पास। सेकेंड पे दिल्ली है 450 के साथ, यानी बिलियन डॉलर, तो सेकेंड पे दिल्ली है। थर्ड पे बेंगलुरु है, फोर्थ पे हैदराबाद है, फिफ्थ पे कोलकाता है, सिक्स्थ पे पुणे है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सिक्स्थ पे पुणे है, सेवेंथ पे आपका चेन्नई है और एट्थ पे गुड़गांव है। तो ये ध्यान में रखने की चीज है गुड़गांव, तो गुड़गांव वाले याद रखिएगा, आप इंडिया के 8th रिचेस्ट सिटी हैं। आपका जो धन है बिलियनरीज का $110 बिलियन। रही बात की गुड़गांव में कितने अरबपति हैं, बिलियनरीज हैं, तो 2 बिलियनरीज हैं, जबकि मुंबई में 28 हैं, दिल्ली में 18 हैं। पर चलिए अंडरस्टैंडिंग की बात बस होनी चाहिए। तो भारत के सबसे अमीर शहरों में गुड़गांव 8वें पोजीशन पे है, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। 8th पोजीशन। नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं हम, एक टेक्नोलॉजी की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां एक तरीके की बात आज अखबार में आई थी, उसको समझना है। बेटा एक वर्ड आया है निकल के, लोन वुल्फ। लोन मतलब अकेला, वुल्फ मतलब भेड़िया, अकेला भेड़िया। बेटा भेड़िया मोस्टली ग्रुप में शिकार करता है, अकेला नहीं, ये याद रखिएगा। लेकिन अब अकेला भेड़िया जब शिकार करे, हंटिंग करे, लोन वुल्फ, अगर समझने के लिए, लेकिन समझिए बगदादी ने इस वॉर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, हालांकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यह हार की निशानी है। बगदादी ने अपने टेररिस्ट को इस तरह से तैयार किया क्योंकि जब ग्रुप मिल करके अटैक करता है तो ग्रुप आपस में बात करता है प्लानिंग के बारे में, कब अटैक करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसका चैनलाइज डिकोड हो जाता है और जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं या जो भी हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो लिंक कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, पता चल जाता है। तो उनके हर वॉर को हम सक्सेस नहीं होने देते। तो बगदादी ने इसकी शुरुआत की और उसने ये कहा कि हमारा हर आतंकवादी अकेला, थैंक्स ए लॉट ललित, हाउ आर यू, बहुत सारे आपने गुल खिला दिए, थैंक यू एवरीवन। तो मैं ये कह रहा था कि बगदादी ने इसकी शुरुआत की और उसने ये इंस्ट्रक्ट किया कि हमारा हर एक सिपाही यानी हर एक आतंकवादी अकेला प्लान बनाओ और अकेला उसे अमल करो यानी एक्टिवेट करो, किसी से फोन पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सहायता नहीं पड़ेगी और अकेला आप करेंगे। तो किस तरह का आप हार्म कर सकते हैं वैसा करिए। एक उदाहरण लेते हैं, फ्रांस के निस शहर में एक आतंकवादी ने एक ट्रक किडनैप किया और उस ट्रक को लेकर के जैसे तैसे चला करके 20-25 लोगों को मार दिया।
बाद में खुद मर गया, पकड़ा गया, जो भी हो। ऐसे ही आए दिन भारत में भी हो रहे हैं, ट्रक चला दिया, रौंद दिया वगैरह। यही है लोन वॉल्फ टेक्निक्स, यानी जिसमें एक टेररिस्ट अकेला अपना सारा फैसला लेता है, एक्टिवेट करता है, काम करता है, इसका यह नाम है। तो ये याद रखने की चीज है, ये सवाल बनाएगा। अगला एक छोटा सा है, उसको समझिए। हमारे ऋषिकेश में एक आश्रम है, नाम है परमार्थ निकेतन। बहुत बड़ा आश्रम है परमार्थ, और ऋषिकेश जाते होंगे तो गंगा के इसी पार से आपको दिख जाता होगा परमार्थ नाम का बोर्ड। चिनम्यानंद जी जो हैं इस आश्रम के सर्वे सर्वा हैं, ऑल इन ऑल हैं, और वो बहुत ही एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स करते हैं, नो डाउट। अभी ये एक इंटरनेशनल योग फेस्ट मनाने जा रहे हैं 1 मार्च से 7 मार्च तक के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल, इसमें 100+ कंट्रीज के लोग आएंगे, योग करेंगे, एंड 1000+ पर्सन होंगे, अमंग देम 800 विल बी फॉरेनर। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेस टू दिस कॉन्फ्रेंस और फेस्ट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, क्लियर। तो परमार्थ निकेतन, गोइंग टू सेलिब्रेट और गोइंग टू फेस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल योग फेस्ट एट ऋषिकेश, 100+ कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेट, ये ध्यान में रखना है। बेटा, एज यू नो दैट कल हम लोग गधों पे बात कर रहे थे, बिल्कुल सही, और हमने ये भी कहा था कि अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका पार्टी सिंबल्स डोंकी है, गधा है। चलिए, डेमोक्रेटिक पार्टी इस बार चुनाव हार गई, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन पार्टी तो होता ही है, रहता ही है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं, तो फिलहाल जो बने हैं वो है टॉम प्रेज। टॉम प्रेज डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन बने हैं अमेरिका में, ये माइंड बस मेकअप कर लेंगे, छोटी सी जानकारी थी। अब सुनिए, वर्ल्ड विमेन चेस चैंपियनशिप जो ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित हो रही थी, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमारी ग्रैंड मास्टर द्रोणवल्ली हरिका बनी है, यानी कि हमारी ग्रैंड मास्टर द्रोणवल्ली हरिका गॉट ब्रॉन्ज मेडल। और समझिए बात को, 2012 में, 2015 में एंड 2017 में शी गॉट ऑल 3 टाइम्स ब्रॉन्ज मेडल। रही बात ग्रैंड मास्टर, चेस गेम में विद इन 1 कैलेंडर ईयर इफ एनी प्लेयर गॉट टोटल नंबर्स, आई मीन वैल्यूज नंबर्स, इफ 2500 then he or she will considered grandmaster। यानी एक वर्ष के भीतर भारत का कोई खिलाड़ी अगर 2500 अंक पूरा कर लेता है, अंक मिलते हैं हर खेल के लिए, कैसे खेला उसके, तो वो ग्रैंड मास्टर कहलाएगा। पूरे वर्ल्ड में भी ग्रैंड मास्टर का यही थ्योरी है, ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भारत के जो हुए, विश्वनाथन आनंद हुए, और भाग्यश्री थिप्से जो हुई, फीमेल में पहली ग्रैंड मास्टर हुई, ये भी आप समझ गए। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री से रिलेटेड एक छोटी सी बातों पर, उस पर गौर फरमाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री रिलेटेड। हरियाणा के रोहतक में सांपला ब्लॉक है, वहां पे गांव है समचाना। समचाना गांव में एक व्यक्ति ने अपने खेत को मिट्टी काटने के लिए टेंडर पे दिया था। जब 5 फीट नीचे गया तो उस खेत से उसे कुछ मृद भांड मिले, यानी टेराकोटा पॉटरीज मिले, वेजल्स मिले मिट्टी के, और कंकाल मिले,
करकेस मिले, स्केलेटन मिला। इन सभी की जांच हुई तो 5000 ईयर्स एगो जा रहा है, यानी लगभग आज से 5000 साल पहले। और जो बात पहले नजर में निकल गई एट प्राइमा फेस, ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, तो एक और हड़प्पा सभ्यता का साइट आपको मिल गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पिछला अभी जो फ्राइडे गुजरा है, उस फ्राइडे को सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सकतपुर नाम के गांव में ऐसे मिट्टी कट रही थी, तो खुदाई शुरू हुई तो सरकार ने देखा बहुत कुछ है, रोक दिया। और फ्राइडे से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन में वहां खुदाई शुरू हुई और पहले दिन ही लोढ़ी सिलॉट यानी सील बट्टा दोनों मिले हैं पत्थर के, और बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो याद रखना है वहां भी हड़प्पा साइट का ही है वो। तो हड़प्पा साइट के दो नए साइट्स आपके सामने में आ गए, एक सकतपुर सहारनपुर और एक आपने देखा क्या नाम था गांव का, सामचाना रोहतक मायने है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में एक नेशनल हाईवे 39 है जो नुमालीगढ़ असम से शुरू होती है और मणिपुर के बॉर्डर एरिया जो म्यांमार से टच करती है बॉर्डर, वहां मोरे नाम का जगह है, वहां तक जाती है। यही कोई वो जो है 435 किलोमीटर लॉन्ग है। हमारे मणिपुर के लोग जब भी हमसे इनवाइट हो जाते हैं, भारत सरकार से इनवाइट हो जाते हैं, तो वो अपना गुस्सा निकालते हैं, तो वो NH-39 को ही ब्लॉक कर देते हैं, नाकाबंदी कर देते हैं। अब इसी NH से कनेक्ट हो रहा है एशियन हाईवे 1, AH-1, एशियन हाईवे 1, एंड दिस NH-39 विल बी पार्ट ऑफ एशियन हाईवे 1। तो एशियन हाईवे 1 जो है वो हमारे मणिपुर, मणिपुर से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड और थाईलैंड से सिंगापुर तक को कनेक्ट करेगा, और इस तरह से हमारी आवाजाही हो जाएगी। और इससे ऑब्वियसली जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं उनका कनेक्शन भारत से भी, बांग्लादेश से भी, और ये ईस्ट एशिया के देशों से भी रहेगा। और इस तरह से टूरिज्म की वजह से, ट्रेड की वजह से, और भी रीजंस होंगे, होटल्स होंगे उस रूट पे, जब ट्रैवलिंग होती है तो उस रूट पे कई होटल्स होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, सिक्योरिटीज पर्पस की बातें होंगी, हाईवेज होगा तो उसमें रिलेटेड कितने सर्विसेज होंगे, तो उनको अच्छा चांस मिलेगा डेवलपमेंट का। लास्ट आज के लिए, आज बहुत कम ही था लास्ट, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं बेटा। 2016 में हिमाचल था रिकॉर्ड क्या था, तो ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश का जो मंडी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है, और मंडी में 81 टेंपल्स हैं, उनके पहाड़ी बहुत सारे देवता हैं, उनका अपना एक विश्वास है, तो 81 टेंपल्स हैं डिफरेंट गॉड्स गॉडेस के। जबकि वाराणसी जो है यानी काशी, काशी में 80 टेंपल्स हैं। तो मंडी को हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी कहते हैं, मंडी इज कंसीडर स्मॉल काशी ऑफ हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल वैसे जैसे हरियाणा में भिवानी को कहते हैं छोटी काशी, बिकॉज ऑफ मंदिर बहुत है। अब रही बात, वहां के जो एक वाद यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसका नाम होता है देव ध्वनि, और उसे जो बजाते हैं यानी मैस्ट्रो जो हैं उसको बजंत्री कहते हैं, बजाने वाला बजंत्री। तो पिछले साल इन लोगों ने 806 बजंत्री ने एट ए टाइम धुन बजाया, जो किसी पर्टिकुलर यंत्र का, इस तरह के यंत्र का, यानी कि देव ध्वनि को बजाने वाले मैक्सिमम लोग एट वन प्लेस, इट इज बिकम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस साल 26 फरवरी 2017 को इन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है, और इस बार जो लोग थे 1831 बजंत्रीज, ओके ध्यान में रखना है, एट ए टाइम इस वाद्य यंत्र को बजाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके।
इस समय उस उत्सव में नृत्य भी होते हैं और नाटी NATI नाटी डांस वहां का है। ये फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का, स्पेशली मंडी का। और ये सवाल बनाता है कि नाटी डांस कहाँ का है, कई बार आते हैं। तो बेटा आज ज्यादा कुछ नहीं था, आज इतना ही है। कल मुझे 3-4 शादी अटेंड करनी है और सारा इंपॉर्टेंट है, हर जगह जाना ही पड़ेगा। दो जगह तो बेटी की माफिक है, उनकी शादी है, एक बेटे की शादी है और एक और है बर्थडे का। तो ये सारा है कल, और क्लासेस भी हमारे दिन की, तो ये सब लेके बड़ा हौच पौच रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल लेने का, और कहीं ना कहीं टाइम निकाल के जरूर हम आपसे संवाद करेंगे। पर ना करने के चांसेस जो है 20% है, करने के चांसेस 80% है। तो मोस्टली हम मिलेंगे ही कल, स्क्रीन पे हम लोग होंगे ही, ठीक है। बाय द वे बिल्कुल वही अंदाज, वही बात, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमने ये देखा है कि हमारा आपका संबंध प्रगाढ़ होता जा रहा है, और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना जा रहा हूँ। और आप अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चन सब भेजते रहिए बेटा, ठीक है। और फिर हम उसको एक घंटे के लिए कर लेंगे, आज तो बहुत कम था इसीलिए, ठीक है। बाय द वे गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू टू ऑल एंड माई एल्डर्स एंड काउंटर पार्ट, नमस्कार, टेक केयर बेटा।